बोलिए आप क्या? आप क्या हो? गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं किचन में। यहाँ देख रहे हो ना आप गंदगी, बाप रे इतनी गंदगी हो रखी है, क्या ही बोलें, पूरा घर बिखरा पड़ा है। चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं अपना किचन और बताते हैं कि क्या क्या काम अभी तक हो गया है और होने वाला है। यह है हमारा नया किचन जो पूरा चेंज हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऊपर का जो है सेटअप कुछ इस तरह से रहेगा और नीचे कुछ इस तरह से रहेगा। अभी सब में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, सब चीज़ तैयार है बट फिटिंग नहीं हुई है, फिटिंग होना बाकी है। भैया काम कर रहे हैं, जब सब फिटिंग हो जाएगी तो मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीक़ा से आप लोग को दिखलाऊँगी, अच्छे तरीक़ा से फिर कभी दिखलाऊँगी। फिलहाल अभी आते हैं हॉल में, लिविंग एरिया में, जहाँ चल रहा है कुछ इस तरह का काम। ये मॉडलिंग का काम चल रहा है, ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, काम अभी चालू है, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा दिखता है। बाकी इसके अलावा जो कंप्लीट है वो है भाभी का रूम। बड़ी वाली भाभी का रूम कम्प्लीट हो चुका है, इनका ये बड़ा सा अलमीरा बन चुका है। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 95% काम हो चुका है इसमें, अभी भी 5% काम बाकी है क्योंकि हैंडल नहीं लगा है, काफ़ी कुछ अभी इसमें करना है। बट हाँ, भाभी बहुत दिन से रूम अपना छोड़ी हुई थी तो अभी थोड़ा एडजस्ट कर ली है। बाकी जब काम हो जाएगा तो लास्ट में इनका भी काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का अलमीरा है, काफ़ी बड़ा सा है क्योंकि ये 5 जने हैं जिनका सामान इस अलमीरा में रखाएगा। भाभी को इतना ही बड़ा अलमीरा चाहिए था क्योंकि इनकी फैमिली बड़ी है, इन्होंने पूरा सेटअप इस अलमीरा में बना रखा है। इन्होंने ड्रेसिंग टेबल भी इसी में बना रखा है, बच्चों के लिए कॉपी किताब का भी सेटअप बना रखा है। कम्प्लीट हो जाने पर इसे भी मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखलाऊँगी। तो बस घर में बस इतने ही काम अभी हुए हैं। और सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल खुशमित ऑफिशियल। जैसे आप लोग ने देखा घर का काम पूरा बिखरा हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है। बहुत कुछ तो नहीं दिखाया मैंने, बस हाँ थोड़ा बहुत शेयर किया आप लोग से। अभी मुझे कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है वो मैं रेडी होकर आप लोग को बताती हूँ। फिलहाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लगा मेरा घर का इतना काम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होके। सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी, यहाँ पति देव भी रेडी और यहाँ मैं भी रेडी हूँ। मैंने पहनी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस, गाउन लहंगा कुछ भी कह सकते हो इसे, बहुत प्यारा सा ड्रेस है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो गाइस यह है मेरा फाइनल लुक। मेरा ये लुक आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा ड्रेस आप लोग को कैसा लग रहा है। गर्मी है ना तो बाल थोड़ा बांध लिया है, खुला खुला बाल पहले सोचा करने के लिए फिर बांध लिया, अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं फाइनली। आज हम बता ही देते हैं कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। एक बेबी को देखा होगा पिछले ब्लॉग में आप लोग ने, उसी का आज छठी है। मम्मी पापा भी जाएंगे, उनको हम लोग रिसीव करेंगे तो थोड़ा देर बाद पहुँच जाएंगे वहाँ पे। काफ़ी प्यारा सा फंक्शन होगा, आप लोग कंटिन्यू रहो, आप लोग को भी दिखाऊंगी फंक्शन। देखती हूँ चालू हो गया फंक्शन की क्या कहीं, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि जाना था और पहले ही, लेकिन घर का काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तो हम लोग निकले हैं, शाम भी हो गई है, तो मिलते हैं थोड़ा देर में आप लोग से। यहाँ मम्मी पापा को भी मैंने गाड़ी में बैठा लिया है। मम्मी काफ़ी नाराज़ हो रही थी क्योंकि मम्मी चाह रही थी कि मैं घर आती और उनको रेडी कर देती, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। और लाइट करते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा लाइट है, अच्छा आ रहा है ना। फिर हाय आज क्या है
आज बुआ का छुट्टी है। अब बुआ है मम्मी के गोद में, नानी के गोद में, नानी के गोद में। बुआ फुल टल्ली है, देखो तो बाबू नानी के गोद में। खाना दो तीन खाने में काम है। बुआ सोया हुआ है, निन्नी करने में बिजी है। देखो तो मौसी के बाल ब्लॉक में आ जाओ, ब्लॉक में यहाँ है असली नानी माँ। ये तीन को नकली नानी माँ, ये असली नानी माँ, मेरी मामी बुआ की असली नानी। मामी कैसा लग रहा है नानी बन के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू की तीन तीन नानी है, मेरी मौसी है गाइस। बहुत खुशी मिल रहा है नानी बन के, नानी बन के बहुत खुशी मिल रहा है। और एक मौसी मेरी यहाँ है, देखिए खुशी से हिचकी पर हिचकी आ रहा है इनको। नानी बन गया ना, नानी बन गया या मामू आ गया, छोटे मामू। फोटो याद पड़ा पर। हाय गाइस, बोल दो हाय गाइस। सो गाइस, यहाँ तो मैं टाइम से पहुँच गई, बट बेबी की माँ ही नहीं रेडी थी, तो मैं यहाँ इसे रेडी कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन है ये, माँ बन गई है बट काफ़ी बिजी रह रही है और काफ़ी परेशान भी रह रही है। नई नई बेबी की मम्मा ना ऐसे भी परेशान रहती है, तो इसके पास टाइम ही नहीं था कि ये रेडी होती। घर में सब कोई रेडी हो गया था, बेबी संभालने के चक्कर में बेचारी रेडी ही नहीं हुई थी। मैं यहीं आई तो फटाफट इसे रेडी करने लगी। इधर बाबू सुना सुना सुना। तो गैस यहाँ मम्मा तो रेडी हो गई है, यहाँ सारे लोग रेडी थे और यहाँ से स्टार्ट होता है छठी का रस्म। तो सबसे पहले मम्मा को और मम्मा के बेबी का पांव रंगाएगा। काफ़ी प्यारा सा मोमेंट था ये, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बेबी को प्यार करते हुए। इतना नाजुक सा था ना ये कि मैं क्या ही बोलूं। तो गाइस यहाँ हो रहा है छठी का रसम। बच्चा को ना तोप ताप के ना लुटकाया जाता है, और ये ना नींद में था और लुटका जा रहा था, लुटका जा रहा था। तो एक और सर केवर गिल डगे जी ने वो गिल डगे इधर बोलगा देख लेगा चल काला काही मैं कैसे ठेका दे ठेका था राम ने से हो गया राम देखो मैं गाड़ी में इधर देखो ना चल लेते ना और कौन गोदी में खड़ा है। अरे देख देख फिर हो रही है यहाँ काजल लगाई की रस्म, जो बुआ करती है। तो यहाँ बुआ बेबी को ना काजल लगा रही है, उसके बाद सबके आँख में लगाती है। मैंने भी फर्स्ट बार काजल लगाया आँख में, काफ़ी अच्छा नहीं लगता है काजल, क्योंकि आँख से ना पानी गिरने लगता है मेरा काजल लगाने के बाद। देखो
पहले ना ना अब नहीं बेटा हो गया पानी नहीं नहीं है मैं यहाँ मम्मी को भी काजल लग रहा है देखो मम्मी काजल लगाने का एक और नानी माइक और नानी है अभी लगा लीजिए थोड़ा भुआ भी लगाती है लगाइए भुआ लगाएगी नहीं है कौन है छोटा भाई है क्या है पापा का नाम क्या है पापा कहाँ है पापा यहाँ पे हो रही है मुँह जुट्ठी का रसम ये ना पांच सुहागने बैठ के ना एक साथ खाती है तो यहाँ मैं मम्मी नेहा और उसकी गोतनी और यहाँ मौसी हम पांचों मिलकर खा रहे थे और बेबी को ना गोद में लेकर खाया जाता है क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ खाती है ना तो बेबी का पेट भरता है तो बहुत सारा चीज़ बना हुआ था और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था खाना खाकर हम लोग ने ना बाबू के लिए शोहर भी खाया काफी मजा आ रहा था हम लोग को सब कोई फोटो कट शूट करवाना चाह रहा था बट ना बाबू जग ही नहीं रहा था बहुत मुश्किल से इसे हम लोग ने जगाया उसके बाद यहाँ फोटो कुछ क्लिक हो रहा है बउआ के मम्मी बउआ के पापा बउआ के नानी बउआ के मासी माँ मामा को मामा को कली मरिया बउआ के बुआ मामा मामा कैमरा मैन नानी खर्चा के चलते पीछे लुकल है बोलिए आप क्या मम्मी मौसी बच्चा का नाना है आप कौन है जी आप कौन है आप बताइए नानी लोग तुम लोग का हो गया पापा आप बोलिए कौन है इन्हें छोटा बच्चा को ना गोद में लेने में काफी डर लगता है काफी डर डर के ये बउआ पकड़े हुए थे फिर यहाँ पर हुआ गिफ्ट देने का रस्म चालू चलिए बाबू देखो 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 गिफ्ट मिल गया
ये पानी का कुछ है नहीं यहाँ तो बिछा दो तो मन में पूरा नहीं है वो दुद्धु को हनुमान जी हो गया नहीं दुर्गा जी हाँ तो ठीक है हम दुर्गा जी का भक्त है तो दुर्गा जी देंगे बजा दीजिए नेक्स्ट कौन है भाई सामने आ जाइए खुशबू है ना पूरा खराब कर दिया हम लोग का फैमिली में पहला नाती है पहला बार नाना नानी बने एक यार ध्यान रखना ही हाथ में गोड़ में दोनों में पहना दो हाथ में गोड़ में दोनों में पहनाओ जिया जी पहले ही कंप्लेन कर दिए थे आपने बोली कि देखिए आपके लिए इनको दिखा दिया कि आपके लिए लॉकेट है बात सही में आपका वैल्यू बढ़ गया है आप मानते हैं चीज को अरे बताया जाए बोले सच कर रहे हैं बाप बनने का चांस जो होता है ना जब बाप का उम्मीद होता है ना उगड़ी आदमी को लगता है इतना खुशी मिलता है उसका जवाब नहीं है बताइए आपका एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ गिनती काउंट करके रखना खाली हिसाब के साथ फाइनली अब निकले हम लोग काफी थक हार गए हैं चलिए निकल जाएंगे ठीक तो प्रणाम मामा अरे सनी अब जो है इंतजार रहेगा क्या इंतजार रहेगा अभी सब धीरा दे दीजिएगा सबको धीरा कर रखेंगे।
यहाँ मम्मी पापा को छोड़ते हुए मैं निकली अपने घर। गली में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा तीज का सामान सब यहीं था। और यहाँ देखिएगा जैक्स को जरा, यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। और मैं साइड में लुक गई थी कि वो मुझे पहचान पाता है कि नहीं, बट वो गेट खोलते ही ना वो मेरे साइड ही आ गया दौड़ के जैसे। देखिए कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि मैं आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।